हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटोन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। जो हमारे पास एक सैमसंग का टीवी है, इसका आप लोगों को आज कुछ दिखाऊंगा कहाँ कितना वोल्ट होता है, जो वोल्टेज से आप लोगों को कुछ फ़ायदा होगा। वो वोल्टेज आप लोगों को कुछ दिखा दूँ कहाँ कितना वोल्टेज होता है। पहले तो पावर सेक्शन से शुरू करता हूँ। जो हमारा मेन पावर सेक्शन होता है, वो पावर सेक्शन से पहले तो हमारा मेन वोल्टेज होता है वो हमारा 220 वोल्ट। और 220 वोल्ट हमारा जाता है एक छोटा सा कॉइल पे। वो कॉइल से भाया होके हमारा एक तो पॉइंट जाता है हमारा डिगोजिंग के लिए, और एक पॉइंट जाता है हमारा जो हमारा ब्रिज कनेक्शन के लिए डायोड दिया गया है। ये ब्रिज कनेक्शन से डायोड भाया होके हमारा जो दो कैपेसिटर भाया फिल्टरिंग कैपेसिटर दिया गया है, ये हमारा यहाँ पे तैयार करता है 350 वोल्ट, 40 वोल्ट हमारा तैयार करता है, जो 400 वोल्ट तैयार करता है। 350 से हमारा 400 वोल्ट तक तैयार करता है। उसके बाद हमारा ये वाला ट्रांजिस्टर बूस्ट करके हमारा वोल्टेज को भाया करके हमारा ये वाला ये तीनों वोल्ट चौपर से भाया होके हमारा वोल्टेज तैयार करता है। एक तो पहले का वोल्टेज हमारा यहाँ पे 120 वोल्ट का होता है। जो वोल्टेज हमारा दो एक डायोड भाया होके हमारा ESC सेक्शन के लिए सप्लाई दिया गया है। और जो दूसरा पिन है हमारा ए वाला, जो पिन है ए वाला पिन हमारा एक 12 वोल्ट तैयार करता है, जो रेगुलेटर सिस्टम के लिए दिया गया है। जो पहले का रेगुलेटर है, जो इनपुट पे हमारा 12 वोल्ट आता है 3.3 पे, यहाँ पे इनपुट पे, और एक फीडबैक भाया होके हमारा यहाँ पे 3.3 तैयार करता है, जो हमारा वोल्टेज जाता है हमारा ए वाला हमारा जो सेंसर होता है वो सेंसर से भाया होके भाया करता है वोल्टेज। और जो वोल्टेज जाता है हमारा ईप्रोम पे वोल्टेज जाता है 3.3। उसके बाद जो हमारा और एक वोल्टेज आता है यहाँ पे 6.5 वोल्ट का, जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट हमारा एक वोल्टेज तैयार करता है। वो वोल्टेज हमारा आता है डायरेक्ट हमारा ये वाला रेगुलेटर पे, जो रेगुलेटर पे हमारा आता है 4 पिन का रेगुलेटर है, जो हमारा यहाँ पे 6.5 इन होता है और ये वाला आउट करता है हमारा 5 वोल्ट। जो 5 वोल्ट हमारा सिस्टम पे और भी रेगुलेटिंग करके हमारा सिस्टम IC पे दिया है, और हमारा ये वाला जो ट्यूनर है ट्यूनर के भी दिया गया है। और जो दोनों वोल्टेज है, एक पॉजिटिव पे आता है एक नेगेटिव पे वोल्टेज आता है। जो दोनों वोल्टेज हमारा आता है यहाँ पे, जो 21 वोल्ट होता है माइनस और प्लस 21 वोल्ट, जो हमारा जाता है साउंड आईसी के लिए भाया होके हमारा वोल्टेज जाता है ये वाला दोनों जो वोल्टेज है वो दोनों वोल्टेज। उसके बाद आप लोगों को बता दूँ, जो हमारा ESC सेक्शन पे 120 वोल्ट आता है, वो 120 वोल्ट हमारा आने के बाद को दिखा रहा था। जो हमारा पहले का वोल्टेज हमारा 12 वोल्ट है, वो आप लोग देख सकते हैं 12 वोल्ट हमारा आया है यहाँ पे, जो हमारा 3.3 रेगुलेटिंग करता है जो हमारा वोल्टेज पे। और दूसरा जो हमारा आता है, जो हमारा 6.5 आता है, वो यहाँ पे आप लोग देखिए हमारा 6.5 आ गया है 6 वोल्ट। उसका रेगुलेटर कनेक्शन यहाँ पे है, जो रेगुलेटर पे वो आप लोग 6.0 इन हो रहा है, उसके बाद हमारा वोल्टेज निकलता है यहाँ पे जो हमारा 5 वोल्ट। उसके 5 वोल्ट हमारा जाता है ट्यूनर पे, 5 वोल्ट जाता है और एक वोल्टेज जाता है हमारा इफ्रोम IC पे 5 वोल्ट दिया गया है। और 3.3 वोल्ट हमारा दिया गया है यहाँ पे, जो हमारा सेंसर पे है, वो सेंसर पे भी हमारा 5 वोल्ट रेगुलेटर भाया होके दिया गया है। लेकिन ये 3.3 जो हमारा वोल्टेज आ रहा था वो डायरेक्ट हमारा सिस्टम को चालू होने के लिए एक कोर वोल्टेज दिया गया है। और दो वोल्टेज जो हमारा आप लोगों को बता रहा था, जो 12 वोल्ट जो वोल्ट होता है वो वोल्टेज आप लोगों को देख सकते हैं प्लस पे हमारा 13 वोल्ट आ गया है। वो 13 वोल्ट हमारा यहाँ पे आया है, जो हमारा साउंड IC पे दिया गया है। यहाँ पे माइनस भी वोल्टेज दिया गया है, यहाँ पे देखिए प्लस पे जो वोल्टेज आया है वो चौपर सिस्टम से, वो जो प्लस पे वोल्टेज यहाँ पे है
जो हमारा दूसरा नंबर पिन है, तीसरा नंबर पिन है वो पे वहाँ पे, और पहला नंबर पिन पे हमारा माइनस पे वोल्टेज दिया गया है जो यहाँ से निकलता है चौपार से। ये वाला हो गया हमारा चौपार सेक्शन से। और दूसरा जो हमारा ईएसटी सेक्शन के लिए 120 वोल्ट दिया गया है, वो 120 वोल्ट आप लोग देख सकते हैं, 120 वोल्ट हमारा इनपुट हो गया है। और दूसरा वोल्ट जो निकलता है 200 वोल्ट, जो हमारा बूस जो हमारा नीक पे हमारा जो बेस बोर्ड होता है वो बेस बोर्ड को सप्लाई देने के लिए हमारा ये वाला कनेक्शन हमारा बेस कनेक्टर पे लगा है। और दूसरा आर एक वोल्टेज होता है जो हमारा वर्टिकल आईसी के लिए दोनों वोल्टेज है, जो माइनस प्लस पे वोल्टेज आया है वो दोनों वोल्टेज हमारा यहाँ पे वर्टिकल आईसी के लिए ये चौपार से दिया गया है। जो हमारा पहला तो ये वाला पॉजिटिव वोल्टेज जो हमारा 15 वोल्ट है 15.5, और दूसरा जो हमारा नेगेटिव वोल्टेज वो 14 वोल्ट, मतलब ये दोनों वोल्टेज हमारा जाता है वर्टिकल आईसी के लिए। ये दो पिन पे हमारा जो ऊपर नीचे पिन है वो पॉजिटिव का है और मिडिल का पिन है हमारा नेगेटिव का है। ये हो गया हमारा चौपा ईएसटी सेक्शन का लिए जो हमारा पार्टिकल आईसी के लिए दिया गया था। और एक वोल्टेज होता है जो हमारा हीटर कनेक्शन, वो हीटर कनेक्शन हमारा डायरेक्ट बेस बोर्ड पर दिया गया है हीटर के लिए। और एक वोल्टेज आप लोगों को बता दूँ जो हमारा ट्यूनर के लिए डायरेक्ट एक वोल्टेज आया है जो 200 वोल्ट के लिए, 200 वोल्टेज जो हमारा आया था वो वोल्टेज को रेगुलर रेजिस्टेंस से काम करके हमारा ये वाला वोल्टेज तैयार किया गया है। जो वोल्टेज हमारा होता है 33 वोल्ट जो रेगुलर जो हमारा ट्यूनर कनेक्शन है वो ट्यूनर कनेक्शन के लिए दिया गया है। ठीक है, ये हो गया हमारा ईएसटी सेक्शन के लिए। और एक सिस्टम आप लोगों को दिखा दूँ जो हमारा ये बेस बोर्ड है, ये बेस बोर्ड के पहले का जो पिन है वो हमारा 200 वोल्ट के लिए, जो पहले यहाँ पे लगा है जो हमारा 200 वोल्ट वो यहाँ पे आके ये ट्रांजिस्टर को कैरी करके हमारा ये बेस बोर्ड पे आता है। जो हमारा रेड ग्रीन ब्लू का हमारा वोल्टेज होता है, पहले तो ये देखिए हमारा ग्रीन का जो वोल्टेज निक पे है वो हमारा 158 होके आ रहा है, जो हमारा कलर को कैरी करके हमारा जो वोल्टेज आता है वो निक पे वो ये वाला हमारा वोल्टेज है। ये वाला हमारा रेड का वोल्टेज और एक ब्लू का जो वोल्टेज होता है आप लोगों को दिखा दूँ, ये वाला ब्लू का वोल्टेज हमारा 59.58 होता है। इसके लिए ये तीनों वोल्टेज सेम ही रहना चाहिए, नहीं तो हमारा पिक्चर पे कलर का अप डाउन हो सकता है। ठीक है, और एक वोल्टेज यहाँ पे आता है जो हमारा सिस्टम आईसी से निकल के हमारा आरजीबी का वोल्टेज होता है, वो वोल्टेज आता है डायरेक्ट निफ पे। जो वोल्टेज हमारा यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूँ, जो पहला नंबर पिन है वो पिन पे हमारा ब्लू का जो कनेक्शन है वो ब्लू कनेक्शन पे 18 वोल्ट 17 वोल्ट होता है। ये तीनों वोल्टेज हमारा सेम ही रहता है, जो 17 वोल्ट 17 वोल्ट और एक हमारा रेट पे भी 17 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा एक जो हमारा आई के का जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज आप लोगों को दिखा दूँ, ये वाला वोल्टेज हमारा आई के लिए होता है जो हमारा ज़्यादातर हमारा 9 वोल्ट तक होता है, 9 वोल्ट 6 वोल्ट तक हमारा ये वाला वोल्टेज होता है। ठीक है, और हमारा सिस्टम चालू होने के बाद ये वाला वोल्टेज है, लेकिन हम लोग जब टीवी को स्टैंड बाई मूड में लेके जाऊंगा तो अब स्टैंड बाई मूड में ये वाला इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। स्टैंड बाई रिमोट से मैं स्टैंड बाई कर किया हूँ, और उसके बाद आप लोगों को दिखा दूँ जो हमारा जो वोल्टेज हमारा चौपर से निकलता है वो वोल्टेज हमारा कम हो गया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 120 वोल्ट था, वो वोल्टेज हमारा कैपेसिटर पे है इसीलिए धीरे धीरे कम रहा है, वो 110 वोल्ट हो गया है। और जो हमारा यहाँ पे 6.5 हुआ था वो 3. आप लोग देख सकते हैं 4.2 हो गया है, और जो 12 वोल्ट था वो वोल्टेज हमारा 7.7 हो गया है, और जो हमारा 12 वोल्ट प्लस माइनस था वो -10 हो गया है, +10 हो गया है।
ठीक है। और ये रहा हमारा आज का जो हमारा टॉपिक था, वो वीडियोकॉन सेक्शन, वीडियोकॉन किट पे हमारा कहाँ कितना वोल्ट रहता है वो वाला सिस्टम आप लोगों को दिखा दिया हूँ, जो कहाँ कितना वोल्टेज रहता है, ठीक है। इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और तब तक मेरा चैनल का बेल आइकन को दबा देना, नया नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और नया नया वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।